Hello dear students, welcome to our science class. Today we are going to learn transpiration in plants as well as some modification of the leaves. So let's start with the transpiration of plants. जैसे कि प्लांट क्या करते हैं, सप्लाई वाटर एंड फूड, तो उसके अंदर ट्रांसपीरेशन भी होता है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स. तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं उसमें भी हम एक नज़र डाल देंगे. तो इसमें आप देख सकते हो, उसको जो वाटर मिलता है वो इवोपरेट भी करना होता है, बिकॉज तभी वो वाटर उसके नीचे से रूट्स में से एंटर हो सकता है. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं उसके रूट से. सो स्क्रीन पे आप देख सकते हो उसके रूट हेयर्स होते हैं कि जो क्या काम करते हैं, उसका एक स्पेशल काम होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करना है. और उसके बाद वो क्या करेंगे, वाटर को कलेक्ट करेंगे, मिनरल्स को कलेक्ट करेंगे और सॉइल में से उसको ऊपर तक पहुंचाते हैं. अभी जो आप देख रहे हो वो जाइलम है. जाइलम ट्यूब वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके छोटे छोटे ट्यूब्स में से, और वही वाटर वो उसमें से स्टेम में ट्रांसपोर्ट होता है और वो बाद में पहुंचता है उसके लीव्स तक. जो आप यहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे वाटर निकलता है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं. तो वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है उसको अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. जैसे कोई हवाई जहाज क्या करता है, किसी भी चीज को हमारे लिए ट्रांसपोर्ट करता है, सेम वही चीज प्लांट्स में वाटर के लिए जरूरी है, राइट. लेट्स स्टार्ट विद सम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. सो लीव्स क्या करता है, वो हेल्प करता है फूड को स्टोर करने के लिए, एंड जो वाटर लॉस होता है बाय ट्रांसपीरेशन, और उसके बाद वो क्या करता है, टू ट्रैप इंसेक्ट्स एज वेल एज टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट. तो चलो ये वन बाय वन हम सीखते हैं. सो फर्स्ट, लीव्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. जैसे कि आप यहाँ पे ऑनियन देख सकते हो, ऑनियन के जो एक प्लांट है और वो फूड स्टोर कर सकता है अपने लीव्स में, और वो उसको क्या काम आएगा, वो जब उसको फूड की ज़रूरत पड़ेगी तब उसमें से फूड को ले सकता है. तो ओनियंस अपना फूड कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, उसके लीव्स में, जो कि आपको यहाँ पे वाइट पार्ट दिख रहा है ओनियन का, वो स्टोरेज कंपार्टमेंट है और यहाँ पे फूड स्टोर हो सकता है. सो अ नेक्स्ट टॉपिक इज लीव्स मॉडिफाइड टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर. वो कैसे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये कैक्टाई प्लांट है जो कि बहुत ही डेजर्टियस एटमॉस्फेयर में भी सरवाइव कर सकता है, और उसके ऊपर कांटे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइंस, और ये स्पाइंस वाटर को लॉस होने से बचाते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे लीव्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो अपना फूड स्टोर कहाँ पे करते हैं, अपने स्टेम में, और वहीं पे वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लीव्स मॉडिफाइड टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट. जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, ये सब प्लांट्स हैं कि जो बहुत ही वीक होते हैं, और ये वीक प्लांट्स को भी अपने स्टीम्स से सपोर्ट मिलता है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी एनिमल्स को खाने से. जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है वीनस फ्लाईट्रैप और दूसरा है पिचर प्लांट. ये दोनों कार्निवोरस प्लांट्स हैं. तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं कैसे ग्रो होते हैं, बिकॉज उसकी सोइल में मिनरल्स की कमी होती है. और ऐसे ही पिचर प्लांट का अगर हम एग्जांपल लें, वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अपने जो फ्लूइड होता है उसके अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ओके, और वो सरफेस इतना स्लिपरी होता है जिसमें कोई भी प्रे फंस जाता है. इस तरह से पिचर प्लांट अपने पिचर शेप की वजह से किसी भी इंसेक्ट्स को फंसा सकता है, बिकॉज इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, बट दूसरे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स के न्यूट्रिशंस का यूज करते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स को ये अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं.